गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। मेरी ड्रीम ट्रिप का फर्स्ट डे ऑफिशियली। पिछले कल हम कुल्लू से मनाली आ चुके थे और हम रात को यहाँ रुके थे। देखिए, ये मेरा और किरुभाई का बैठ। इस ट्रिप के लिए मैंने लगभग 5 सालों से बहुत सोचा, लेकिन कोई ना कोई बहाना हर बार कैंसिल कर देता था। चलो शुरू करते इस जर्नी को। मनाली की गलियों से आज अपने मोटर ब्लॉग की शुरुआत करते हुए और ये चल पड़े हम अपने ड्रीम ट्रिप की ओर। और ये भाई साहब अपने सामने। तो थैंक यू राजे भाई गोपो देने के लिए। हम दोनों भाई जा रहे हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ मनाली के माल रोड के निचली साइड। हमारे भाई अभी पता नहीं एटीएम से कैश निकालने गए हुए हैं। और पीछे देखिए नज़ारे क्या बढ़िया है। तो अभी भाई लोग आ चुके हैं और चलते हैं अपनी धनों पे। अपने धनों नहीं, अपनी अपे। बड़ा टफ हो गया यार चढ़ना। तो चलो, तो अभी हम निकल चुके हैं मनाली से और ये देखिए क्या व्यूज आ रहे हैं अभी। एक्चुअली सुबह सुबह निकलने का यही फायदा रहता है कि व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। ले यहाँ से है 474 किलोमीटर, सरचू 222 आज की डेस्टिनेशन। तो अभी हम रुके हैं एसएल कैफे के पास और ऊपर से यहाँ पे चुगरी वाटरफॉल भी दिखाई दे रहा है। तो अभी भाई लोग बैठ चुके हैं हम परांठे के लिए। मिक्स परांठे का ऑर्डर दिया, एक टी हो गया, एक ब्लैक टी हो गया। और मैं घर को फोन कर लेता हूँ अभी। मिलते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू। अपने धीरज भाई रात को इनके घर पे रुके थे। चलो तो हम देखते हैं कि हम कितना ट्रैवल करते हैं। तो मैं ट्रिप डाटा 1 को 0 कर देता हूँ और फिर कितना फ्यूल हमने इतना कंज्यूम किया इसमें, तो इसमें 40 किलोमीटर हम ऐड कर देंगे बस। ऊपर देखिए व्यूज क्या मस्त आ रहे हैं। पलचान विलेज, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज ऑफ कुल्लू। अटल टनल रोहतांग 17 किलोमीटर। और अभी हम अटल टनल होके जाएंगे क्योंकि हमारे पास रोहतांग जाने का परमिट नहीं है। वहाँ पे परमिट लगता है और डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा, लगभग 40 किलोमीटर के करीब हमें एक्स्ट्रा पढ़ना था। अभी पहुँच गए हम सोलंग नाला और ये फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ से बिल्कुल स्टीप चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और जब मैं पहली बार आया था तो मुझे ये वाला एरिया बहुत ऑसम लगा। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार उस टाइम ग्लेशियर देखा था ऊपर। ग्लेशियर का कितना बड़ा पैच दिखता है सामने। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतनी करीब से उस टाइम ग्लेशियर देखा था। तो मैं तो माँ कसम खा के ही, पता नहीं कितनी माँ कसम खा ली थी मैंने। तो लीजिए भाई लोग, हम पहुँच चुके हैं अटल टनल के साउथ पोर्टल। अटल रोहतांग टनल में हम एंटर हो रहे हैं। तो अभी मैं रोहतांग टनल के नॉर्थ पोर्टल पे हूँ और भाई वगैरह आगे निकल गए। अब उनको पता नहीं क्या जल्दी थी आगे निकलने की। चलो कोई नहीं, बाय द वे। और लैंडस्केप देखिए टोटल चेंज हो गया, अब पेड़ आपको काफ़ी कम दिखेंगे अब। और जब मैं पहली बार आया था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि भैया अभी उल्टी साइड को किस साइड को जा रही है। और ये देखिए, अगर आप यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो लेह कारगिल की ओर और राइट लेंगे तो काजा स्पीति की ओर। तो मुझे लगता है कि परसों चौथे जो बारिश हुई थी इससे ये नाला काफ़ी आ गया था। रोड उबड़ खाबड़ है यहाँ पे। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से ये सिसु गांव लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है। ये देखिए सिसु वाटरफॉल उधर, ओहो क्या मस्त दिख रहा है ये आजकल यार। इसका फोटो बनता है। एक राजा घेपन जी के मंदिर है यहाँ पे, उनके पास हम शीश नवाजेंगे अपना। इस राइड की सफलतापूर्वक पूर्ति के लिए मनोकामना करेंगे। अभी लगता है द्वारपाट बंद है, शायद आजकल बंद रखने का टाइम है। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये है लाहौल का गोंदला फोर्ट। ये बिल्ड किया था राजा मान सिंह ने 1700 AD में। जो लाहौल की ठाकुर थे उनके साथ, उनकी बेटी के साथ उन्होंने शादी की थी।
ताकि उनके रिलेशन जो है इनके साथ अच्छे रहे। और इसके बाद अभी यहाँ से 9 या 10 किलोमीटर तांदी रह गया है। बालों की हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी है, देखिए हेलमेट बैन पहन के। और अभी हम पहुँच चुके हैं चंद्राभागा के संगम पर। बीआरओ ने लिखा है, जंक्शन पॉइंट ऑफ ब्लू वाटर ऑफ चंद्रा रिवर एंड ग्रीन वाटर ऑफ भागा रिवर बिकम्स चंद्रभागा एट लेटर चिनाब। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो द्रौपदी थी उन्होंने अपनी देह त्यागी थी, और स्थानीय भाषा के अनुसार तंदी और संस्कृत में तंदी का मतलब होता है तनदेही, मतलब जिसने अपनी देह यहाँ त्यागी हो। एक साइड से आ रही है ये वाली चंद्रा रिवर, और ये जो उधर से आ रही है केलोंग साइड से, ये आ रही है भागा रिवर। तो इस पॉइंट के बाद ये जानी जाती है चंद्राभागा रिवर के नाम से, और बाद में इसको चिनाब से जाना जाता है, और ये यहाँ से होते हुए पाकिस्तान होते हुए फिर अरब की खाड़ी में जा मिलती है। अभी हम पहुँच चुके हैं केलोंग, और इस रूट पे ये लास्ट पेट्रोल पंप है, पहले तांदी पे था, और नेक्स्ट पेट्रोल पंप यहाँ से 365 किलोमीटर दूर है, वो है कारू पे। छोटा सा अभी एक छोटा सा हल्का सा नुकसान हो गया, इसका जो बैटरी डोर था पीछे वाला वो पता नहीं कहीं गिर गया है। लगाया तो मैंने वैसे ठीक ही था, पता नहीं कहाँ गिरा, कोई मुझे बार बार कॉल कर रहा था उसकी वजह से ये हुआ, क्योंकि क्या बोलूँ, अब छोड़ो जो गिर गया, बस कैमरा नहीं गिरना चाहिए अब। लास्ट टाइम भी हमने इस होटल जिस पर रसोई में खाना खाया था, जब मैं मेरे दोस्त अनएक्सपेक्टली अनप्लान्ड तरीके से सूर्यस्ताल के लिए आए थे, दारचा जहाँ लास्ट चेक पॉइंट है वो 10 किलोमीटर रह गया, उसके आगे नेटवर्क नहीं होता है। तो मैक्सिमम लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके एक बार घर कॉल कर लीजिए, तो हम भी आज यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। मिलते हैं अब थोड़ी देर में, खाना खा के और थोड़ा रेस्ट करके अभी फ्री हो चुके हैं जिस पर से, अब चल पड़े हैं राइडिंग गियर फिर से पहन पहन के। अभी जो सामने गांव दिखना स्टार्ट हुआ है इसे दारचा गांव कहते हैं, और ये ले मनाली हाईवे पे हिमाचल की साइड से लास्ट परमानेंट सेटलमेंट है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दीपकताल, ये दारचा से 12 किलोमीटर आगे है, और इसका शेप दीपक की तरह है, और अभी कलर तो कैमरा में उतना खास लग नहीं रहा है, पर रियल आई से देखने को ये बिल्कुल ब्लू लग रही है। मैं पिछली बार जब आया था तब भी यहाँ पे रुकने की सोची थी, पर हम उस टाइम रुके नहीं थे, तो बड़ा अजीब जैसा फील हुआ था। कुछ फ़ोटो क्लिक करा के और एक दो वीडियो शूट करके हम यहाँ से निकल पड़े अब बरला चला के लिए। भैया आप कोई तो ढूंढ रहे थे इतने देर से कि कब वाटर क्रॉसिंग आएगी। और हम पहुंच चुके हैं जिंगजिंग बार, यहाँ से वाराला चला 21 सरचू 53 किलोमीटर, लगभग 2 घंटे की जर्नी, यहाँ से हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। हम जिंगजिंग बार को अभी छोड़ के सीधा वाराला चला जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आगे भी टाइम हमको कम है, मैं जल्दी जल्दी पास करने होंगे नाले नूले, क्योंकि 12 बजे के बाद धूप पड़ती है और ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट होते हैं, तो नाले में पानी बढ़ जाता है। अभी देखिए कितना काला पानी आ चुका है, तो कल हम सरचू से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। भाई मोटा ही आया है ये नाला। तो पहुंच गया हूँ मैं लगभग सूर्यस्ताल, और ये देखिए फर्स्ट झलक सूर्यस्ताल की आपको यहीं से दिखा दिया। तो मैं पहुंच गया हूँ सूर्यस्ताल, और मेरे भाई लोग भी पहुंच गए हैं सूर्यस्ताल, और देखिए भैया फाइनली सेकेंड टाइम ओवी बाइक पे, जो मेरा ड्रीम था एक पहुंचने का यहाँ पे, कि बाइक पे जाऊँगा इन जगह को एक्सप्लोर करूँगा, भाई फिर से आ गया हूँ। जिस टाइम मैं आया था उस टाइम बिल्कुल जमी हुई थी ये, अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो पुराना वाला देखिए, लिंक दे दूंगा मैं। मज़ा आया कि नहीं आया? बहुत मज़ा आया, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। भाई बालों के ऊपर मत जाना, बालों की हालत बजी हुई है बैंड, और चश्मा 100 रुपये का है सस्ते वाला। वेलकम टू बाराला चला पास, फाइनली पहुंच गए। साउंड पता नहीं अभी आएगा कि नहीं आएगा, पर अभी हम पहुंच चुके हैं बाराला चला पास 16,080 फीट पे,
और मीटर्स में है 4050 मीटर, बहुत हाई अल्टीट्यूड पे आ गए हैं। हल्के हल्का सब महसूस हो रहा है कि चलने में थकावट हो रही है, हेडेक खुड़क कुछ नहीं है। ये तो कभी कल मालूम लगेगा जब तंगनंग में आप पास करेंगे। इस साइड, इस साइड, दूसरी साइड, नीचे 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 इस साइड, आराम से आराम से, बस बढ़िया, गुड। चलो कुछ तो फायदा हुआ यूट्यूब देख वीडियो देखने का, कि कभी भी जो रोड है ये बटर क्रॉसिंग है, जिस साइड फ्लो ज़्यादा हो ऊपरी तरफ इस साइड से क्रॉस ना करें, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर आते हैं ऊपर से। हमेशा आप इसको निचली तरफ से जहाँ से पानी बाहर फ्लो हो रहा है उधर की तरफ से करिए, ताकि उधर पानी का जो लेवल होता है वो कम रहता है। भाई जी सुनता नहीं हो प्यार, तो अभी इसमें हो गया है 20 मिनट और पहुंच चुके हैं सरचू अपनी आज की डेस्टिनेशन पे। अब यहाँ पे पता करते हैं कि कैंप कौन सा सस्ते रेट में पड़ता है, थोड़ा सा मोल भाव करना पड़ेगा, इंडिया में करेंगे ही करेंगे, करते जरा इनसे क्या रेट देते हैं नाइट स्टे का। तो अभी ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा प्राइसिंग प्रूजिंग डिस्कस करके आता हूँ, फिर मौके पे बता दूंगा इनको क्या है। और बड़ा मस्त मजा आ रहा है यार, बर्थ है भैया आने का, ये तो भयंकर आलसपन हो गया। तो फाइनली हमने ले लिया है अब रूम अपना, बोले तो टेंट हमारे को बड़े अच्छे रेट में पड़ा है, बढ़िया अच्छा रूम है। देखो भाई साहब सारे लाम लेट हो गए यहाँ पे, इस कैमरे में फ़ोटो देख रहे अपने, और दिए भाई का लैपटॉप फ़ोन चार्जिंग पे। और अभी हम सरचू में, और यहाँ की हाइट लगभग 14,774 फीट है, नकल मार रहा हूँ परचू। तो आज का स्टे हमारा यहीं पे रहेगा, हमने जो ये टेंट लिया विद ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूड है इसमें, और इसके बाद थोड़ा सा हम घूमेंगे बाहर, देखते हैं बोला कहाँ कहाँ जाएंगे उधर। बहुत बड़े ग्राउंड में, मतलब किलोमीटर के हिसाब से ग्राउंड है, पता नहीं कितना किलोमीटर है। इधर देखिए वो जहाँ तक नज़र जा रही है उधर तक ग्राउंड ही दिख रहा है। और अभी हम हल्का सा यहाँ पे वीडियो वीडियो शूट करने आए हैं, देखिए भाई सारे सभी लगे हुए अपने हिसाब से वीडियो शूट करने, भाई जी मोहन भाई, केरू भाई और आपका भाई केरू ब्लॉग्स। काफ़ी देर से हमें चूल मची थी उधर से, देखो कहाँ से कैंप का है उधर जाके, तो इधर ग्राउंड के उस पार क्या है हम देखना चाहते थे क्या है उस साइड। और अब देखिए हम काफ़ी मस्ती मशक्कत के बाद पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और क्या है यार पूरा नदी है, ओह सही। और व्यूज देखो भाई क्या मस्त आ रहा है, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरचू। तो पिछले कल सरचू हम लगभग 5:30 के करीब पहुंच गए, और उसके बाद हम काफ़ी देर यहाँ पे साइट सीन करते रहे, मस्ती इंजॉय किया। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि हमने ब्लॉग को क्लोज ही नहीं किया, तो आज के इस ब्लॉग को फ्रेश स्टार्ट करेंगे, और पिछले कल के ब्लॉग को मैं यहीं क्लोज करता हूँ अपने स्पेशल नोट के साथ। फिर मिलेंगे चलते चलते, जय हिंद।